एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड मूड ओरिजिनल। आज हम बना रहे हैं सबके फेवरेट पकौड़े और मैं आपको कुछ ऐसी इजी टिप्स दूंगी जिनसे आप बाजार के पकौड़ों का टेक्सचर एंड टेस्ट अपने पकौड़ों में ला सकेंगे और उनको सुपर हिट बना सकेंगे। रमजान भी करीब है और अफ्तार का मजा तो पकौड़ों के ही साथ है। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मेरे पास यहाँ पर बेबी स्पिनच है, आप कोई सी भी पालक यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक आलू और प्याज को स्लाइस करके इसमें डालेंगे। जो स्पाइसेस हम इसमें यूज करेंगे वो आप देख रहे हैं। मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, ना हो तो आप स्किप कर दें, ना डालें। अजवाइन 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, अनारदाना 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून एंड बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। एक लार्ज बोल में मैं डाल रही हूँ बेसन 2 कप्स और सारे स्पाइसेस जो भी आपको बताए हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। एंड स्पाइसेस की क्वांटिटी आई विल ऐड टू द डिस्क्रिप्शन एज वेल, आप वहां से भी ले सकते हैं। एंड सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बेसन के साथ मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज और 1 मीडियम साइज का आलू थिनली स्लाइस्ड, और ऐड करेंगे अपनी चॉप की हुई पालक। मैं 2 कप बेसन के लिए 4 कप पालक यूज कर रही हूँ। एंड पालक इज सो फुल ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड। अब हम सारे जो वेजेस हैं और बेसन है इनको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको नीड करेंगे पानी ऐड करके। ये नाइसली मिक्स हो गया है और अब हम इसे पानी डाल के नीड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी यूज किया है, 2 कप बेसन और इन सारे इन वेजेस की क्वान्टिटी के साथ। अगर आप बेसन की क्वांटिटी डिफरेंट यूज कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा ग्रेजुअली पानी ऐड करें। तो पानी आप जस्ट इतना ही यूज करें कि सारी चीजें नाइसली पानी से कोट हो जाएं, लेकिन आपका जो बैटर है वो बिल्कुल भी रनी ना हो, पतला ना हो, अदरवाइज पकौड़े जो है वो सही फ्राई नहीं हो सकेंगे। बैटर हमारा थिक है और नाइसली मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जस्ट हरी मिर्चें अपनी चॉप की हुई डालेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जस्ट ये 2 चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। Now just a 1 final mix और हम इसे फ्राई करते हैं। एंड यू विल सी कि मैं बहुत कम ऑयल के साथ पकौड़े फ्राई करूंगी, अनलाइक द यूजुअल वे जिसमें हम बहुत ज़्यादा कढ़ाई में ऑयल डाल के पकौड़ों को फ्राई करते हैं। एंड आप देखें मैंने यहाँ जस्ट एक रेगुलर फ्राइंग पैन लिया है और उसमें जस्ट उसके बॉटम को मैंने ऑयल से कवर किया है और इसी में हम बहुत अच्छे से पकौड़े फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये एक साइड से डन होते हैं हम इनकी साइज जो है फ्लिप करते हैं। क्योंकि हम ऑयल जो है वो कम यूज कर रहे हैं इसलिए हम सेंटर से इनको जरूर प्रेस डाउन करेंगे। इससे ये होगा कि जो बेसन अंदर है वो भी बहुत अच्छा सा कुक हो जाए और आपके बेसन के कच्चा रहने का डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और यूं प्रेस करने से, ये दबा के पकाने से ये और फ्लैटन हो रहे हैं और ये अनबिलीवेबली क्रिस्पी हो जाएंगे, बाजार से भी ज्यादा, और आपकी हेल्थ पे भी लाइट रहेंगे क्योंकि उन्होंने उतना क्रेजीली ऑयल एब्जॉर्ब ही नहीं किया होगा जैसे कढ़ाई में होता है, स्पेशली अगर अफ्तार पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। सिमिलरली हम अपना सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। अगर आपके पास मैंगो पाउडर या जो आमचूर पाउडर है अवेलेबल हो तो आप 1/2 टीस्पून ऐड कर लें, अदरवाइज आप चाट मसाला तो ज़रूर ऐड करें, तो आपके पकौड़े और भी चटपटे मजेदार हो जाएंगे। एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना परफेक्ट क्रिस्पी टेक्सचर है और इसकी नोकें सी जो निकली हुई हैं क्योंकि हमने थिनली स्लाइस्ड इसमें आलू और प्याज जो ऐड किए हैं, इसकी वजह से इसे परफेक्ट बाजार वाला क्रिस्पी टेक्सचर मिला है, नोकों वाला टेक्सचर, कॉर्नर्स वाला। तो हमारे पकौड़े जबरदस्त से और स्लाइटली हेल्थियर तरीके से डन हो गए हैं। सो डू कीप द टिप इन माइंड, स्पेशली फ्रॉम अफ्तार पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप पकौड़े बाजार के खाना भी चाहते हैं और लाइट भी फील करना चाहते हैं। सो एंजॉय दिस पालक पकौड़ा रेसिपी एंड डू सब्सक्राइब। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।